हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप गूगल मीट एप्लीकेशन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और उसे कैसे ओपन कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ये आपके कंप्यूटर में 100% होगा अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो। इसके बाद आपको अपनी जीमेल आईडी ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने आप अपना जीमेल का जो फोल्डर है वो पूरा का पूरा ओपन कर रखा है। तो जैसे आप इसे ओपन करोगे यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा गूगल मीट एप्लीकेशन की तरफ से। पर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा MEET मीट और इसके यहाँ पे न्यू लिखा होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट अ मीटिंग और ज्वाइन अ मीटिंग। तो जो गूगल मीट एप्लीकेशन है वो गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। तो जो गूगल ने अपने एप्लीकेशन को जीमेल के साथ कंबाइन कर दिया है कंप्यूटर और लैपटॉप यूजर के लिए। तो यहीं पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टार्ट अ मीटिंग और ज्वाइन अ मीटिंग। अगर आप मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कैमरा होना चाहिए, तभी ये सही से काम करेगा। अलाउ करने को पूछता है तो अलाउ कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक कोड दिखाई देगा नीचे की तरफ। तो आप अगर मीटिंग क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये कोड अपने दोस्तों को यानी एम्प्लॉय को भेजना पड़ेगा। इस कोड को भेज दीजिए। भेजने के बाद आप उनसे बोलिए कि इस कोड को डालें और यूज़ करें। पर अगर आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आपको यही कोड अपने में डालना पड़ेगा। तो आपको ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करना है। तो आपको ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो कोड डाल देना है जो आपके बॉस ने दिया है। और यहाँ पे आपका जो मीटिंग है स्टार्ट हो जाएगी और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।